जब काफ़ी दिनों बाद काम पर जाओ तो कितना ही अजीब फील होता है। मेरा ना एक्चुअली कार्ड लॉस्ट हो गया है, जो मतलब यहाँ पर स्कैन करके अंदर जा सकते थे। कल ये ट्रेलर है जो मुझे हुक करना है। अभी इसकी पिन तो अंदर हो गई है एंड अभी इसका लैग को ऑफ करना है, देन वायर लगाना है। एक्चुअली प्रॉब्लम ये हुई है कि जो मेरे ग्लव्स थे ना वो कहीं खो गए हैं, मुझे मिल भी नहीं रहे अभी कोई और ग्लव्स भी मेरे ट्रक के अंदर, तो अभी जस्ट इन्हीं ग्लव्स से काम चलाना पड़ रहा है। वाइब्रेट होने का, नोटिफिकेशन का एंड लाइट ग्रीन होने का। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। सो अभी मैं अपने काम पे निकल रही हूँ और आज मैं बहुत दिनों बाद काम पे जा रही हूँ, काफ़ी दिन हो गए हैं। सो अभी मुझे जल्दी जाना है, आज का जल्दी का था, कोई अपॉइंटमेंट है डिलीवरी की एंड मैं निकल चुकी हूँ। अभी अपने घर की एलिवेटर में हूँ, देन कार उठाऊँगी और उसके बाद बाहर जाऊँगी। कल मॉर्निंग इतनी हो रही है कि अभी कोई दिख भी नहीं रहा, लेकिन ना जब समर है तो यहाँ पे मॉर्निंग जल्दी हो जाती है। सो अभी मैं कार में बैठ गई हूँ और जब काफ़ी दिनों बाद काम पर जाओ तो कितना ही अजीब फील होता है ना। वेल मतलब मैं थोड़ा सा ऐसे एक आध बारी गई थी बीच में, बट ऐसे कंटिन्यूसली नहीं, लेकिन इस वीक से कंटिन्यूसली जाना है और बस मन नहीं कर रहा। इवन मेरे अभी मम्मी पापा घर पर ही हैं, पेरेंट्स अभी घर पर हैं, ब्रदर जा चुका है। सो देखते हैं कैसा रहता है। अब थोड़ा सा तो अजीब हो गई ऑब्वियसली, लाइक इतने दिनों बाद जाओ तो अलग सा फील होता है। और स्पेशली आज मैं बहुत टाइम बाद मॉर्निंग का कोई जो अर्लियर अपॉइंटमेंट होती है उस पर जा रही हूँ। सो देखते हैं कैसा रहता है दिन। इवन मुझे तो ये भी नहीं पता कि जो सुबह की अपॉइंटमेंट है वो है किधर की। तो पता नहीं ये किस बात की यहाँ पे सारे लोग इकट्ठे हैं, कोई आइडिया नहीं है। बट एक सायरन सा बज रहा है और रेड कलर का फ्लैग लेके खड़े हुए हैं सारे। ये भी किसी चीज़ की काइंड ऑफ स्ट्राइक समथिंग चल रही है, आई डोंट नो। बट ये ट्रकिंग कंपनी के बाहर खड़े हुए हैं रेड फ्लैग लेके। मेरा ना एक्चुअली कार्ड लॉस्ट हो गया है, जो मतलब यहाँ पर स्कैन करके अंदर जा सकते थे। सो अभी मैं वेट कर रही हूँ, मैंने किसी को कहा है अंदर से आने के लिए सो दैट कि वो गेट ओपन कर दें। तो मैं यहीं पर ही वेट कर रही हूँ और यहाँ सामने चल रही है कोई काइंड ऑफ स्ट्राइक समथिंग। ये रहे पेपर जिस डिलीवरी पे जाना है और स्कैनर है अंदर। अभी मैं अंदर जाके स्कैनर लेके आई हूँ। ये तो लॉक है, पता नहीं। कल ये ट्रेलर है जो मुझे हुक करना है। अभी इसकी पिन तो अंदर हो गई है, अभी इसका लैग को ऑफ करना है, देन वायर लगाना है। एक्चुअली प्रॉब्लम ये हुई है कि जो मेरे ग्लव्स थे ना वो कहीं खो गए हैं, मुझे मिल भी नहीं रहे अभी कोई और ग्लव्स भी ट्रक के अंदर, अभी जस्ट इन्हीं ग्लव्स से पहले उसकी वायर लगाते हैं। था ऐसा करने से इजीली जो लैंडिंग गियर है ये अब हो जाता है। तो मैं अभी कॉस्को में आ चुकी हूँ और कुछ ऐसी डिवाइस मिलती है से दिखाते हैं। सो ये है वो डिवाइस जिस पे नंबर आ रहा है 625, मतलब मुझे बैकअप करना है 625 पे। एंड ये कॉस्को बहुत ज़्यादा बड़ा है, इसमें इतनी ज़्यादा डोर है ना। पहले 400 तक था, अब ये न्यू बिल्डिंग बनी है यहाँ पर 600 के पास से भी ऊपर, मतलब बहुत ज़्यादा यहाँ पर डोर्स हैं। तो मुझे करना है 625 पर, 625 बोरा, ये 629 है, 10 628 एंड ये है 625। सो पहले मैं डोर ओपन करती हूँ एंड देन बैकअप करती हूँ। लगा दिया है ट्रेलर को एंड लाइट रेड है, सो मुझे वेट करना पड़ेगा लाइट ग्रीन होने का। और जो डिवाइस है इन्होंने दिया है वो उस पर आता है कि अगर जब लोड हो जाता है कि कंप्लीट हो गया या जो भी, सो वेट करना पड़ेगा डिवाइस के वाइब्रेट होने का, नोटिफिकेशन का एंड लाइट ग्रीन होने का। सो जहाँ पर मैं ये कॉस्को पे आई हूँ, यहाँ पर डिलीवरी है, ये बहुत ज़्यादा बड़ा है, बहुत ज़्यादा, मतलब लाइक उधर तक था पहले, अभी यहाँ ये नई बिल्डिंग बन गई है और इतना भर चुका है। यहाँ पर 600 से प्लस यहाँ पर डोर्स हैं। सो बहुत ज़्यादा बड़ा है ये, बहुत ज़्यादा बड़े एरिए में है कॉस्को का ये पूरा प्लांट इनका। जो आई थिंक कनाडा में, मुझे लगता है मॉन्ट्रियल या क्यूबेक का तो सबसे ही बड़ा होगा। मॉन्ट्रियल में तो है ही नहीं, बाहर है मॉन्ट्रियल के, सो क्यूबेक का सबसे बड़ा है ये। जहाँ देखो वहाँ ट्रेलर, ट्रक, कंटेनर,